मैं 2002 में यूनाइटेड स्टेट्स में था, तो वहाँ एक जेनेटिक सिंड्रोम होता है, उसको कहते हैं पार्शल लाइपोडिस्ट्रोफी। बड़ा इंटरेस्टिंग सिंड्रोम होता है कि उसमें कई जगह तो फैट बिल्कुल जीरो हो जाता है, हाथ वगैरह में केवल स्किन बची बची रहती है, फैट होता ही नहीं है, और यहाँ पर फैट ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर नीचे जिसको डबल चिन कहते हैं, और पीछे पीछे जिसको कि हम एक और संदर्भ में बफलो हम्प कहते हैं, जैसे बफलो का, जैसे कि वो भैंस का पूछा पीछे ऐसे हम्प होता है, वो वाला हम्प करते हैं। तो ये इस जेनेटिक सिंड्रोम पार्शल लाइपोडिस्ट्रोफी जो जेनेटिक है, जेनेटिक बेस्ड है, उसमें हमने पाया कि डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है, और कहीं फैट है नहीं और यहाँ पर फैट है, साहब इसके कारण डायबिटीज हो गई। तो वो तो जेनेटिक है, लेकिन हमने सोचा क्या ये चीज नॉन जेनेटिक में जनरल लोगों में हो सकती है। तो मैं जब वापस आया तो हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, और 2008-09 में हमने पब्लिश किया था डायबिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस में। उसमें हमने ये कहा था कि जिन लोगों को डबल चिन है, और ये कोई भी देख सकता है, इसमें कोई डॉक्टर होने की बात नहीं है, और पीछे पीछे ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा फ्लैश है पीछे पीछे की तरफ, और वो इनफैक्ट इतना ज्यादा है कि गर्दन में एक थोड़ा धारी डाल रहा है, तो इस तरह से अगर हमने पाया या किसी ने भी पाया तो उसको तुरंत शुगर की जांच करानी चाहिए।